हेलो नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कर दिया बड़ा ऐलान अब 6000 मिलेगी बुढ़ापा पेंशन तो बड़ी खुशखबरी है कह सकते हैं कैसे ये मिलेगी बुढ़ापा पेंशन 6000 क्या है नियम क्या है इसकी शर्तें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा किया गया है ये बड़ा ऐलान तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की जानेंगे इस वीडियो में क्या है पूरी बड़ी अपडेट तो जी हाँ अगर आप हरियाणा से हैं किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक लाइक कर दें वीडियो को शेयर जरूर किया करें शुरू करते हैं वीडियो को तो बता दें कि हरियाणा के फतेहाबाद में कांग्रेस की रैली जिसमें से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है यहां पर अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो छः हज़ार रुपये बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी तो ये बड़ी खबर है तो यहाँ पर हरियाणा के फतेहाबाद में कांग्रेस की रैली जारी है जिसमें से इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो छः हज़ार रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे इस दौरान उन्होंने भाजपा जे सरकार पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि ये सरकार पूरी तरह फेल है विकास शिक्षा रोज़गार में फ़तेहाबाद पिछड़ गया स्कूलों में मास्टर में नहीं है और बता दें कि स्कूलों में मास्टर नहीं हैं अस्पताल में डॉक्टर नहीं हैं और ऑफिस में कर्मचारी नहीं हैं जिनको बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो नशा कर रहे हैं सरकार के संरक्षण में ये सब हो रहा है हुड्डा ने कहा कि सरकार बिल्कुल विफल सरकार है और कहा है कि रोज हत्याएं लूट डकैती खुलेआम हो रहे हैं कानून नाम की कोई चीज बची नहीं है रोजाना नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं प्रदेश कर्जे में डूब गया है तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा है और खिलाड़ियों को भी बिना किसी भेदभाव की नौकरी दी जाएगी अगर सरकार बनी तो ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है तो फिलहाल जो बड़ी अपडेट है हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो छः हज़ार रुपये बुढ़ापा पेंशन मिलने वाली है ये जानकारी फतेहाबाद में एक रैली में संबोधित करते हुए जानकारी दी है तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बड़ा ऐलान है इस वीडियो में थी जानकारी धन्यवाद जय